नमस्कार, मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी या कोई स्पेशल डे नहीं, आज तो महाषष्ठी है, इसलिए सबके लिए स्पेशल डे है। तो मेरी तरफ से सबके लिए बहुत सारे प्यार एंड बेस्ट विशेस। आज भी ना बॉम्बे में बारिश हो रहा है, तो मैं सोची कि चलो आज मैं बाहर नहीं जाऊंगी, पर आज मुझे ना गरबा ग्राउंड से, एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत बड़ा डांडिया होता है, पर लास्ट ईयर और इस साल नहीं हो पाए, वहाँ से इनविटेशन आया तो मैं वहाँ पहुँच गई। चलिए देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं गरबा। एक्चुअली ये रखते हैं साथ में अंबा माँ की मूर्ति तो है ही, पर इसका मेन जो है दैट इज गरबा। और गुजरात में इसी के चारों तरफ सारे औरत या सभी लोग गरबा नृत्य करते हैं, और 9 दिन ये गरबा का आरती और पूजा होता है। देखा कि डंडिया तो नहीं हो रहा है, अदरवाइज बहुत बड़ा ग्राउंड में होता है, पर इस साल तो नहीं हो रहा है, खाली आरती हो रहा है। उसी में लेडीज कितना एंजॉय कर रहे हैं और कितना भक्ति से अंबा माँ की भजन गाना गा रहे हैं। और अभी देखिए ये मिस्टर नसीम खान यहाँ आए हैं,
जो यहाँ के बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन हैं एंड मिनिस्टर भी रह चुके और बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हैं एंड लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सोचते हैं, इज़ अ वेरी गुड पर्सन। तो उन्होंने सबको इनक्रेज करने के लिए हर जगह ऑलमोस्ट जो भी फंक्शन पवई में होता है, एटलीस्ट मैं पवई में रहती हूँ मुझे पता है, ये सब जगह नसीम भाई खुद आते हैं और सबसे मिलते हैं, सबको इनक्रेज करते हैं। तो यहाँ आज वो आए हैं। फिर देखिए यहाँ के जो लेडीज़ है उन लोगों ने नसीम खान जी को भी फेलिसिटेट तो करेंगी एंड उन सबके साथ इतने प्यार से बात करते हैं एंड स्पेशली डंडिया नहीं हो रहा है, इतना छोटा स्केल में भजन हो रहा है फिर भी वो यहाँ आए, ये उनके बड़प्पन है और बहुत बड़ी बात है। तो अभी देखिए ये जो महिला मंडल है इनके तरफ से नसीम जी को फेलिसिटेट किया जा रहा है। इधर से ले लो। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ के कुछ लोकल बच्चे जो किक बॉक्सिंग में बहुत ही अच्छा किया, स्टेट लेवल तक पहुंच गए बच्चे, तो वो बच्चे आज यहाँ आए हैं और उनको ये महिला मंडल से फेलिसिटेट किया जाएगा जो नसीम खान जी ने खुद अपने हाथ से बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं और उनको हर एक का नाम पूछ के उनको इनकरेज कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। कहाँ रहते हो? गुड, ऑल द बेस्ट बेटा। राज, तो मुझे लगा था कि आज मैं ये गरबा जो जहाँ है, क्योंकि डंडिया तो हो नहीं रहा है पर पूजा हो रहा है, तो मैं सोचा पूजा खत्म हो जाए फिर मैं घर चली जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत बारिश हो ही रहा है और बहुत कीचड़ तो है ही, और मेरा साड़ी एक्चुअली नीचे बहुत खराब हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा सोची थी कि घर चली जाऊंगी, पर उसके बाद फिर लेडीज झूम उठे, शुरू हो गए, तो मैं भी उनके साथ झूमने लगी। दुर्गा भवानी आई रे, हे दुर्गा मैया का पुजारी खड़ा रास्ते पे, हाथों में जोत लिए, हाथों में जोत लिए, हाथों में जोत लिए, हाथों में जोत लिए, जोत जगन आई रे, बोलो किस तरह से आप एंजॉय करते हो ये नवरात्रि और इस साल कैसा लग रहा है? कोई शब्द ही नहीं, कोई मानता ही नहीं हम लोग की कोरोना है।
कोरोना तो गया नवरात्रि के आने से पहले ही, इसके लिए हम लोग जयकारा शेरा वाली दा पर सुनो फिर भी जैसे डांडिया होता था वैसे तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा लेकिन कोई बात नहीं, दिल से एंजॉय हम अपने मन से दिल से खुशी से एंजॉय करते हैं। बारिश हो, नसीम खान जी ने छोटा पंडाल हमारे लिए बंदोबस्त किया लेकिन हम उससे हजार बार हमारे लिए बहुत बड़ा है, इतने खुश है हम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं बारिश में भी और खूब मजा ले रहे हैं। पर इस साल जो बहुत कम हो रहा है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है ना जिस तरह से, इस साल थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि वापस कोरोना फैल रहा है तो सबको थोड़ा डर भी है उसका, तो सोचते हैं लोग बाहर निकलने में, पर जो एंजॉय करने वाले हैं वो तो आते ही आ ही जाते हैं। और इंजेक्शन भी लेना चाहिए आप लोग, सब दो दो वैक्सीन हो गया आ रहा है। हाँ, दो दो वैक्सीन। ओके, वेरी गुड। पर दो वैक्सीन वालों को भी हो रहा है? हाँ, वो तो है, संभाल के तो रहना ही है। हाँ। पर जीना भी है ना, तो थोड़ा बहुत एंजॉय तो करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय। हाँ देखिए, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स है लतिका, पूर्णिमा, कीर्तिदा। कीर्तिदा तो इनको तो अभी आप लोगों ने थोड़ा सा सुना है, अभी देखिए ये दोनों भी क्या कहते हैं कि इस साल कैसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा कम हो रहा अच्छा है। अच्छा लग रहा है। ओके। क्योंकि दो साल के बाद हमें ये बाहर निकलने का मौका मिला है, का मौका मिला है, माँ का दरबार लगाने का मौका लगा है, एंजॉय करने का मौका, मतलब लास्ट ईयर आप बोल रहे हो ये भी नहीं हुआ, लास्ट ईयर ये भी नहीं हुआ था, लास्ट ईयर पूरा बंद, मतलब लास्ट ईयर ये आरती भी नहीं हुआ। जी जी, ओके ओके, फिर तो सही में आप लोगों को अच्छा ही लग रहा है। सब लोगों ने एक्चुअली मौका उठाया है अवसर का, सब लोग बाहर निकले हैं, सब लोगों को बहुत मजा आ रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं, मजा ले रहे हैं, पूजा हो रही है। मुझे भी आज यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों को देख के तो इतना इंस्पायर्ड हो गई मैं भी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। चलिए, एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर से जैसे नॉर्मल होता है वैसे फिर शुरू हो जाएगा। थैंक यू, बाय 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 बाय। अब देखिए, मिस्टर नसीम खान स्पंदन दुर्गा पूजा ग्राउंड में आ गए और मैं सोची थी आज निकलूंगी नहीं, लेकिन ऐसा हुआ कि पहले मैं गरबा आरती में पहुंची, फिर वहां से क्योंकि नसीम खान जी यहाँ आए, फिर मेरे फ्रेंड्स बोले चलो वहां भी चलते हैं, तुम्हारा दर्शन भी कर लेंगे दुर्गा माँ का, तो फिर मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ फिर यहाँ आ गई और यहाँ भी बहुत लोग मिले और बहुत डेफिनेटली यहाँ तो अच्छा लगता ही है, मन भी होता है कि हम यहाँ आए एंड बैठे रोज, क्योंकि सारे फ्रेंड्स आते हैं तो सब मिलके मस्ती भी होता है, तो एक्चुअली वही है कि अगर भगवान चाहे तो हो ही जाता है। मास्क हो, अच्छा। देखिए, मेरे साथ मेरे एक और भाई स्नेहा जी, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत स्वीट, हमारे सबसे प्यारे भाई है। बोल, इसलिए मैं मास्क पहन के हूँ, देखिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि चांदा मांगता है लोग शायद पकड़ के मारे, इसलिए वो डर के मारे ये पहन लेता है, but he is very good, we love him a lot. Thank you Maluji. Thank you. Hi guys, देखिए मेरे साथ मेरे फ्रेंड माधुरी, यहाँ के बहुत फेमस लेडी है, सोशल वर्कर है, बहुत अच्छा अच्छा काम करती है, हर साल डांडिया ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें एक्चुअली हम आज गए भी थे और मैं सोची थी वहीं माधुरी से बात करूंगी, लेकिन देखिए माधुरी हमारे दुर्गा पूजा में अभी आ गए, एक्चुअली हमारे उसके ऐसा नहीं है, सब हमारे सबके लिए है। सो माधुरी, आप थोड़ा बताओ कि कैसे आप फील करते हो ये फेस्टिव सीजन में, और आप जो इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करते हो, अभी दो साल से थोड़ा कम हो रहा है ना, हाँ, कोरोना, आप थोड़ा बोलो, हाँ कैसे लग रहा है? कोरोना ने हम लोगों को, सभी लोगों को दूर कर दिया, एक दूसरे से नहीं बल्कि भगवान से भी दूर कर दिया, लेकिन ये है कि हम देवी माँ से सिर्फ एक ही चीज़ मना रहे हैं कि आने वाला जो नवरात्रि हो वो हम फिर जैसे हम दो साल पहले मनाते थे उस तरह धूमधाम से मनाते। राइट, वेरी गुड। पर आमी मैं गई थी ना आपके आरती में, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ये सब हमारी दीदी है, ऐसा कुछ है, ये पिलर है, ये मैं कुछ नहीं करती, पिलर है, ये मेरी छोटी बहन है। दीदी आप ही बताइए थोड़ा सा। नहीं, मैं वही बोलती हूँ, ऐसा नहीं, हम लोग सब मिलते हैं, सब मिलके जो मनाता है ना, ये पीछे जरूर है, आप मुझे भले आगे करें, हाँ सब लोग मिलके, तभी तो आज आपसे भी मिलके ना बड़ा मजा आया।
मिलके करेंगे तो और अच्छा होता है ना, अच्छा होता है तो अच्छा होता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मिलके, मैं हर साल आती तो हूँ, एक दिन तो आती हूँ। अच्छा, आज मेरे एक एज बुलाने पे मॉल आया, मेरा मन तो बहुत था पर यहाँ मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ, तो मैं बड़ा आज यहाँ नहीं आना है, चलो आज उधर ही चलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे जरूर। थैंक यू। देखिए अभी मेरे सामने बैठी है और दो ब्यूटीफुल लेडीज, सुप्रिया एंड रूपा। रूपा को तो कल आप लोगों ने देखा भी है। अच्छा सुप्रिया, अभी बोलो जैसे लास्ट ईयर एंड दिस ईयर नहीं हो रहा है ना प्रॉपरली, जितना बड़ा सा होता है तो, पर क्या लग रहा है आपको? बट फिर भी हमारा कोई खुशी का काम नहीं है, एक्चुअली हाँ दिल से होना चाहिए ना चीज, छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता है, हमारे लिए माँ आ गई बस, ये सबसे बड़ी बात है। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे। हाँ रूपा बोलो। आज मुहा षष्ठी है, हमारा बंगाली में षष्ठी का भी पूजा हो गया। माँ को हम लोग सब मस्त, माँ को जो बोलते हैं पूजा का जो आराधना जो है आज से स्टार्ट हो गया, कल हम नवोपत्ति का बोलते हैं वो होगा चालू। तो इसके लिए हम लोग सब पूजा का काम कर रहे थे, सब लेडीज लोग मिलके हैं, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा देखिए, हम लोग जो मातृ आराधना करते हैं ना हर साल इतना सक्सेसफुल होता है, तो इसके पीछे जो आदमी है, हमारा सबका पूजा जो माँ तक पहुँचाते हैं, वो देवूदा हमारे सामने बैठे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ देवूदा, आप ये जो पूजा करते हैं, हमारे साथ आप जुड़े हुए हो, तो आपको कैसा लगता है स्पंदन में काम करके हमारे अच्छा साथ रह के? बहुत अच्छा लगता है, सब लोग अपना फील होता है, एक साथ में काम करता है, बहुत आनंद होता है पूजा करके, सब लोग बहुत आनंद भी करता है इधर पूजा करके, बहुत अच्छा है। राइट, और जो लास्ट ईयर एंड दिस ईयर दो साल से तो बहुत बड़ा से नहीं हो रहा है, छोटा पूजा हो रहा है, तो आपको कुछ अलग लग रहा है कि पूजा? हाँ पूजा ऐसा है, जो पूजा पहला भी था अभी भी है, सब एक ही है पूजा, लेकिन जब पब्लिक कम हो गया, हाँ। अभी पब्लिक आ नहीं पाया, लेकिन पूजा का जो है पूजा जैसा होता है हर साल वैसा ही होता है, पूजा में कोई कमी नहीं है, सही बात है। और ये तो मन से होना चाहिए, और आप इतना भक्ति लेके करते हो, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू देवूदा। चलिए आज इतना ही, मैं कहीं नहीं जाऊंगी करके मुझे गरबा ग्राउंड भी मैं चली गई, दुर्गा माँ के पास भी मैं चली गई। ये माँ की इच्छा है कि मैं पहुँचूँ, तो कैसे भी आप पहुँच ही जाओगे। खैर मैं चाहती हूँ आप सब बहुत अच्छे रहे और ये फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा से बिताए। फिर बहुत जल्द मैं आप लोगों से मिलूंगी। और माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विद मॉली, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, आज इतना ही, नमस्कार। हैप्पी महाषष्ठी, सब लोग बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे से ये फेस्टिवल बिताइए। नमस्कार।